प्यारी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो जुग जाए सुध बिना, चलो जुग जाए सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, चलो जुग जाए री सुध बिना, चलो जुग जाए री सुध बिना। मूल प्रकृति मोह थे, उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। मूल प्रकृति मोह थे, उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी चौदे भवन, सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी चौदे भवन, अंधेरी चौदे भवन। चलो जुग जाए री सुध बिना, चलो जुग जाए री सुध बिना। प्रलय प्रकृति जब भई तब पांचों चौदे पतन, पांचों चौदे पतन। प्रलय प्रकृति जब भई तब पांचों चौदे पतन, पांचों चौदे पतन। मोह अहम सब उड़ रहे सरगुण ना निर्गुण, मोह अहम सबे उड़ रहे सरगुण ना निर्गुण, सरगुण ना निर्गुण। चलो जुग जाए री सुध बिना, चलो जुग जाए री सुध बिना। ऊपर तले माही बाहिर खोजिया कैयों जन, खोजिया कैयों जन। ऊपर तले माही बाहिर खोजिया कैयों जन, खोजिया कैयों जन। नेह चल न्यारा सबन से ये ठौर पाई न किन, नेह चल न्यारा सबन से ये ठौर पाई न किन, ये ठौर पाई न किन। चलो जुग जाए री सुध बिना,
चलो जुग जाए री सुध बिना, चलो जुग जाए री सुध बिना, चलो जुग जाए री सुध बिना। श्री प्राणनाथ प्यारे की ए नेक करी मैं सारत, या को आगे होसी बड़ो विस्तार। थोड़े से दिन में देखोगे भरत सी जय जयकार, भरत सी जय जयकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पुरी धाम के, सर्व सुंदर साथ के। साथ सुनो एक वचना प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, समय का सदुपयोग देखिए, कई लोग इस समय सो रहे हैं ना, वे भी सोचते हैं हम समय का सदुपयोग ही कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा से सो रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम भी समय का सदुपयोग कर रहे हैं सोने में। उनकी सोच अलग है और हमारी सोच है समय का सदुपयोग है कि प्रातः जल्दी उठ करके सत्कर्म करना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए, पूजा पाठ जप ध्यान इत्यादि करें, इसको हम समय का सदुपयोग समझते हैं, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं ना। धार्मिक लोगों की सोच अलग होती है, संसार के लोगों की सोच अलग होती है। संसार के लोग संसार को ही सब कुछ समझते हैं, यही खाओ पियो, मस्ती से रहो, आराम करो, एक बार की जिंदगी है, क्यों तकलीफ उठाना, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ घर के क्यों परेशान होना, ऐसे लोग सोचते हैं, क्योंकि वो भौतिकवादी है। उनकी सोच क्या है, केवल शरीर और संसार तक, बहुत आगे सोचे तो अपने परिवार तक, उससे आगे कुछ सोच नहीं सकते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन चीजों के अतिरिक्त वो समाज के लिए भी सोचते हैं, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा समाज। उससे भी थोड़े आगे बढ़े हुए लोग क्या सोचते हैं, मैं और मेरा देश, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना। उससे भी आगे बढ़े हुए लोग सोचते हैं मैं और मेरा धर्म, क्योंकि धर्म है तो हम हैं, धर्म है तो हमारा जीवन है, धर्म है तो हमारी प्रवृत्ति है, सब कुछ धर्म पे निर्भर करता है। इसीलिए मैं सोचूंगा तो मेरे धर्म के लिए, मेरी संस्था के लिए, मेरे सुंदर साथ के लिए, मेरा एक परिवार सुंदर साथ परिवार। एक परिवार तो छोटा सा होता है ना, आजकल का परिवार कितना छोटा होता है। पहले पहले आप देखिए कि एक ही घर में 10-10 बच्चे भी होते थे, 14-14 बच्चे भी होते थे। ये अंबेडकर जी कहते हैं ना, वो 14 में बच्चे थे ऐसा करके कहा जाता है। और विवेकानंद जी थे, उनके परिवार में भी 14 बच्चे थे। कई
परिवार ऐसा था क्योंकि उस समय जनसंख्या की कमी थी, अब जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए जनसंख्या बढ़ने से छोटा परिवार आप देखिए सुखी परिवार इस प्रकार समझाया जाता है। तो आप देखिए कि परिवार छोटा है तो छोटे परिवार में तो हम क्या सोचेंगे अपने परिवार के लिए, माता पिता दो बच्चे क्या सोचेंगे, कितना सोचेंगे, थोड़ा बड़ा परिवार हो तो ज्यादा सोचा जाता है। इसलिए ये भी परमात्मा की कृपा है, छोटा परिवार है तो मैं सुंदर सात परिवार को अपना परिवार मान लेता हूं। सुंदर सात तो अनेक हैं, तो अनेक सुंदर सात ही मेरा परिवार है। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर सात, ये श्यामा जी का अंग सुंदर सात परिवार, मेरा अपना धर्म का परिवार, ऐसा सोच करके हम सुंदर साथ की सेवा के लिए खड़े हो जाएं। जैसे घर के लिए खड़े हो जाते हैं ना, घर की माता है तो बच्चों की सेवा के लिए, पति की सेवा के लिए खड़ी हो जाती है, सुबह जल्दी उठना क्योंकि परिवार की सेवा है। पिता है तो अपनी पत्नी और बच्चों की सेवा में वो भी खड़ा रहता है। ऐसे ही हम सुंदर साथ की सेवा के लिए भी खड़े रहें, धर्म की सेवा के लिए, मंदिर की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, ये बहुत बड़ी सोच होती है। ऐसी सोच लेकर के जो चलते हैं ना, वो समय के पल पल का सदुपयोग करते हैं, फिर समय का सदुपयोग होता है। फिर दूसरे नंबर में संपत्ति का भी सदुपयोग होता है, संपत्ति के एक एक पैसे बचा करके धर्म कार्य में लगाना, पुण्य कार्य में लगाने, सत्कर्म में लगाना, संपत्ति को ऐसे फजूल में खर्च नहीं करना, व्यर्थ में अनावश्यक चीजें खरीद करके, अनावश्यक भोजन करके, आजकल सब होता है ना फास्ट फूड, उस तरफ जा करके ज्यादा से ज्यादा होटलों में जाइए, आप 100 रुपया का खा नहीं पाते हैं, वहां पर 500 1000 बिल हो जाता है, आपका अनावश्यक खर्च हो गया ना। इसलिए उस पैसे को बचा बचा करके धर्म की सेवा करना, समाज की सेवा करना, मानवता की सेवा करना। गुरुजी मंगलदास जी जब कालिम्पोंग में प्रचार करते थे तो एक माता केमरी से थी, वो कालिम्पोंग में ब्याही हुई थी, तो उस माता के मन में भी विचार आया कि गुरुजी इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं तो मुझे भी कुछ तो देना चाहिए। तो अपने पति से कहा, राज दुलारी उनका नाम था, अपने पति से कहा कि मेरे मन में भी कुछ देने की इच्छा हो रही है, क्या करें। तो पति ने कहा कि थोड़ी कमाई हो जाएगी, अभी तो ऐसे हम लोग सक्षम नहीं है, व्यापार कर रहे हैं, थोड़ी कमाई होगी तो विचार करेंगे, अभी तो विचार नहीं कर सकते हैं। तो उस माता ने क्या कहा कि आप ऐसा करिए कि हमारे यहाँ जो काम वाली आती है ना उसको छुड़ा दीजिए, वो जो बर्तन धोती है, कपड़ा धोती है, वो मैं करूंगी, और एक महीना में उसको जो आप तनख्वाह देते हैं वो मुझे दीजिए, वो मैं गुरुजी को चढ़ा दूंगी। तो माता की ये बात सुन करके उनका पति भी पिघल गए कि धन्य है तेरा विचार, ठीक है जो देने की तेरी इच्छा है हम तुम्हें तैयार कर देते हैं। देखिए तो धन का सदुपयोग देखिए, धन नहीं है तो भी बचा बचा करके उसका कैसे सदुपयोग होता है, कई उदाहरण हम लोग सुन सकते हैं, पर हमारे घर में ही उदाहरण है तो बाहर के उदाहरण क्यों सुनना भी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर में सत्संग का सदुपयोग आप देखिए, हम लोग सत्संग में आते हैं तो सत्संग के समय में पूरा सत्संग में ही केंद्रित हो जाएं, अतिरिक्त बातों में हम केंद्रित ना हो,
तो सत्संग का भी सदुपयोग होता है, क्योंकि एक एक बात ध्यान से सुनेंगे तो जीवन में उपयोगी बातें होती है, उसका जीवन में कभी कभी असर होता है। और जीवन में सहन शक्ति, जीवन में समझ शक्ति, जीवन में सोच शक्ति, जीवन में विचार शक्ति, ये सब चीजें आती है। एक बार भी हमने सत्संग सुना है, उसको हमने दिमाग में धारण कर लिया, तो जीवन में कभी भी काम आता है, कहीं भी काम आता है। इसलिए समय का सदुपयोग, संपत्ति का सदुपयोग, सत्संग का सदुपयोग, जीवन का सदुपयोग, ये बहुत जरूरी है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज समझा रहे हैं कि ये प्रकरण जो कई दिनों से चल रहा था, उसकी अंतिम चौपाई है। साथ सुनो एक बचन आवे बाई सकुंडल सकुमार। श्री जी कहते हैं कि हे मेरे सुंदर साहब, एक वचन को ध्यान से सुनो कि जब जागनी शुरू हो जाएगी तो शाकुंडल बाई भी आ जाएगी, एक दिन जाग जाएगी, और एक दिन शाकुमार बाई भी जग जाएगी। जब 12,000 जगेंगे तो जुथपति सिरदार भी जगेंगे, ऐसे प्राण जी महाराज ने आह्वान किया। तो शाकुंडल तो छत्रसाल को कहा जाता है ना, शाकुंडल है कुंडल के सहित कहते हैं ना शकुंडल। तो सकुमार का अर्थ होता है कि कुंडल धारण किए बिना, ऐसे भी अर्थ किया जाता है। कुछ विद्वानों ने ऐसे भी अर्थ किया कि मात्र संदेश तो बात हो गई, और सकुंडल है तो उसको कुंडल पहनाना ही होगा, कंठी पहनाना ही होगा, तभी उसकी जागनी होगी। जो भी हो, तो महाराजा छत्रसाल जी जगे तो शकुंडल की जागनी हो गई। सकुमार देश भर के राजाओं को श्री जी ने संदेश दिया। तो प्राणीनाथ जी ने वाणी में एक चौपाई में कहा, सात चरणों आए सो तो सही, पर पिछले कारण ये वाणी कही। जो सुंदर साथ जागने के लिए मेरे चरणों में आए उनको मैंने जगा दिया, अपने हयाती में अपनी उपस्थिति में मैंने जगा दिया। जो नहीं जाग सके, मेरी वाणी उनको जगाएगी। उनको जगाने के लिए मैं वाणी छोड़ रहा हूं, इस वाणी के माध्यम से किसी न किसी दिन वो भी जगेंगे। तो हम लोग भी उसी में आते हैं, क्योंकि सात चरणों आए सो तो सही, ऐसे बीतक सुनते हैं तो लगता है कि हम भी साथ साथ चल रहे हैं। जब प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा, सदगुरु की जागनी यात्रा सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम भी वहीं थे। ब्रज रास की बातें सुनते तब भी ऐसा लगता है कि ब्रज में हम भी थे, रास में हम भी थे, जागनी में सतगुरु और श्री जी के साथ हम भी थे, पर तब आत्मा नहीं जगी। इसलिए आज इतने वर्षों के बाद, 300 साल के बाद फिर हम जागने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी और प्राणीनाथ जी हमारे बीच नहीं है, पर उनकी वाणी है ना, उनकी वाणी ही तो उनका स्वरूप है। इसलिए सात चरणों आए सो तो सही, पर पिछले कारण ए वाणी कही। तो आज के चौपाई में कहते हैं, मेरे सुंदर साथ जी ध्यान से सुनो, ये दोनों सखियां जगेंगी। रास खेल घर चल से, फिर जागनी रास है। हाँ, जागनी रास क्या है? प्राणीनाथ जी ने 11 साल तो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में करके दिखाया, उसके बाद भी जागनी रास पूरी नहीं हुई और आज भी चल रहे। जागना और जाग करके आनंद उत्सव मनाना, हम लोग 108 पारायण करते हैं ना, वो भी जागनी रास ही है। अब 480 पारायण कर रहे हैं, देखिए पूज्य महाराज जी भी पधार गए। जिस घड़ी की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कई दिनों से, वो घड़ी आ चुकी है, और कल से ही ये कार्यक्रम शुरू भी होना है। पूरी तैयारी चल रही है, हमारे सभी कमेटी के सदस्यगण दिन रात लगे हुए हैं कार्यक्रम को सजाने के लिए। कार्यक्रम सुंदर बनेगा और यादगार कार्यक्रम बनेगा, तो इसका शुभारंभ आज से ही हो चुका है। तो ये भी जागनी रास है, क्योंकि हम जाग पहचान करके सब इकट्ठे होकर के जहां वाणी का पारायण करते हैं, चर्चा सुनते हैं, वाणी गाते हैं, भजन मय हो जाते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, ये सब जागनी रास का ही एक
हम प्रस्तुति दे रहे हैं। हम उस जागनी रास से भिन्न नहीं है जो श्री जी ने दिखाई, आज वही जागनी रास हम देख रहे हैं वर्तमान गुरुओं के साथ रह करके। तो कहते हैं भेले इन भरतार, जब भी हम जागनी रास में सम्मिलित होते हैं तो ऐसा लगता है कि राज्य हमारे साथ ही है, बिल्कुल निकट है। अब देखिए ना कि जब आप पूजा में बैठते हैं ना सुबह सुबह, और आओ जी वाला हमारे घेरे ऐसा करके राज्य का श्रृंगार बदलते हैं तो ऐसा लगता है राज्य यहीं बैठे हुए हैं, मेरे घर में ही मंदिर में राज्य विराजे हुए हैं, हम उनको श्रृंगार कर रहे हैं। फिर मारा वाला जी चलो यमुना जल झेलिए, कहते हैं ना जब झेलना हम करते हैं ना, आप अकेले हो जिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहे बारे हजार मिर के झीले तुम्हारे पास। मारा वाला जी चलो यमुना जल झेले, चंदन जब चरण धुआते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके चरण यही मेरे इर्द गिर्द मेरे ही पास राज्य के चरण है, हम धो रहे हैं राज्य के चरण धो रहे हैं, श्यामा जी के चरण धो रहे हैं। फिर चंदन चढ़ाते हैं तो पिया जी ने पूजन इन विद कीजे, राज श्यामा जी ने पूजन इन विद कीजे, धाम धनी जी ने पूजन इन विद कीजे। देखिए ये सारे शब्द राज श्यामा के लिए ही प्रयोग किए गए, पर हम पांच पांच बार क्यों बोलते हैं, इसलिए कि हमारी भक्ति टिकी रहे। एक बार चंदन चढ़ा करके हम हटेंगे तो भक्ति थोड़ी हमारी आधी अधूरी हो गई ना, पूरी भक्ति हो जाए, पूरी तरह हम चंदन उनको लगा सके, इसके लिए फिर हम लोग धाम धनी जी ने पूजन इनविद कीजे, सच्चिदानंद जी ने पूजन इनविद कीजे आदि आदि शब्दों के द्वारा, फिर सदगुरु साहेब जी ने पूजन इनविद कीजे, क्योंकि हम जागने के ब्रह्मांड में है तो सदगुरु की पूजा भी हमारी होनी चाहिए। सदगुरु और प्राणनाथ जी की पांचों स्वरूप जिन्हें पंच स्वरूप को याद करके हम पूजा कर रहे हैं, फिर सुंदर साथ जी ने पूजन इन विद कीजे, क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में भी राज जी बैठे हुए हैं, इसलिए उनकी भी पूजा हो जाए। तो इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसी पूजा की घड़ी में ऐसा लगता है कि श्री राज जी बिल्कुल हमारे साथ ही हैं, मेरे भरतार मेरे साथ हैं, मेरे स्वामी मेरे साथ हैं, मेरे पिया मेरे ही साथ हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। और बड़े बड़े मेले उत्सव होते हैं तो और ज्यादा अनुभव होता है कि राज्य ये खेल में परमधाम का आनंद हमें प्रदान कर रहे हैं, खेल में ही जागनी रास का अनुभव करा रहे हैं। तो फिर श्री जी महाराज कहते हैं कहे मामत ये सो खेल जो तुम मांगा था चित्त दे, या वही खेल है जो आपने चित्त दे करके और आग्रह पूर्वक इतना आग्रह किया कि राज्य भी मजबूर हो गए, हम तो देखेंगे देखेंगे देख कर रहेंगे, कभी नहीं भूलने वाले हैं, आप दिखाइए तो सही कहाँ आपके चरणों से दूर होंगे, आप ही को याद करते रहेंगे, आप दिखाइए खेल एक बार दिखाइए, ऐसे करके मने किए हमको तीन बेरा, तब हम मांगा फिर 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 तीन तीन बार मना किया, हमने तीन तीन बार मांगा, फिर एक सखी ने दूसरी सखी को सावचेत भी किया होशियार रहो, क्योंकि इतना राज्य मना कर रहे हैं तो हो सकता है खेल कहीं ना कहीं हमको राज्य की भक्ति से भटका दे, इसके लिए एक दूसरे को होशियार करते हुए कहा तुम भूली तो मैं तुझे देऊं तुरंत जगाए, मैं भूलू तो तू मुझे दीजो पल में बताए। कैसी बात है, देखिए तुम भूल जाओगे तो हम तुम्हें जगा देंगे और हम भूलेंगे तो तुम जगाना। जागनी इसी को कहा जाता है, एक दूसरे को जगाना, एक दूसरे को साथ देना, एक दूसरे के हमेशा इर्द गिर्द बने रहना, परस्पर हम प्रेम भाव भक्ति से लगे रहे, यही तो जागनी कहा जाता है। इसलिए यही अपनी जागनी जो नी याद आवे निज सुख, इसका याईसों आईये याईसों होइये सन्मुख। और एक जगह श्री जी कहते हैं कि परम धाम का सुख हमें यही बैठे बैठे अनुभव होने लगे तो अब यही हमारी जागनी है। और फिर प्रेम उसी जागनी से ही प्रेम का उदय होता है और उसी जागनी से ही राज्य के सन्मुख हम हो सकते हैं। साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की यह रीता,
अवगुण काड़े गुण ग्रहे हारे से होए जीत साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की हरित। ऐसी सुंदर सुंदर चौपाइयों के द्वारा श्री जी हमें परमधाम की यादगिरी करा रहे हैं। कहते हैं ये वही खेल देख रहे हो जो तुमने हठपूर्वक जिद पूर्वक तुमने मांगा था। देख खेल हंस चलसी, खेल देखने के बाद रोते हुए नहीं लौटना, हंसते हुए लौटना, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है ना, रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है। आप घर में है ना तो होता ही है, आईने के सामने आप हंसते हुए खड़े रहिए और रोते हुए खड़े रहिए, आप अपने चेहरे को देखिए, रोता हुआ चेहरा कितना मुरझाया हुआ होता है और हंसता हुआ चेहरा कितना खिला हुआ होता है। तो श्री राज जी के चरणों में हमें जाना है परम धाम में, तो हंसते खेलते नाचते चलिए आनंद में बुलाइया सम्मा। कहते हैं कि उस परम धाम में तो हंसते हुए ही जाना है, मुझे परम धाम जाने का मौका मिला ऐसा सोच करके हंसना चाहिए, ये नहीं कि दुनिया छूट रही है उसके लिए हम रो रहे हैं, परिवार सब लोग छूट रहे हैं, यार दोस्त सब छूट रहे हैं और लोग तो जी रहे हैं, हम ही क्यों मर रहे हैं, ऐसे भाव नहीं आ रहे। क्या है, वो जी रहे हैं ठीक है, उनकी आयु लंबी होगी, पर हम तो राज्य के चरणों में जा रहे हैं ना, ऐसा भाव लेकर के खुशी से हंसते हुए उसको भी स्वीकार करते हुए हंसते खेलते आनंद उत्सव मनाते हुए परम धाम चलो, ये श्री जी की शिक्षा है। तो साथ उठा हंसता सुकले, क्योंकि यहाँ हंसता हुआ जाएगा तो परम धाम में भी हंसता हुआ जागेगा, यहाँ रोता हुआ जाएगा तो परम धाम में भी मुरझाया हुआ उड़ता है ना। आप देखिए स्वप्न में आपको अच्छा स्वप्न आया तो आप खुश मिजाज होकर के आप जगेंगे ना, जगेंगे तो आप खिलखिलाते हुए हंसते हुए आप जगेंगे। स्वप्न भयंकर आया, आप रो रहे हैं तलप रहे हैं परेशान हो रहे हैं, जब आप बिस्तर में जगेंगे तो आपका चेहरा भी मुरझाया हुआ होगा, आंखों में भी आंसू होंगे, अरे ये क्या स्वप्न आया मेरे को। तो ऐसे ही परम धाम में जब हम जगेंगे इस संसार से तो साथ उठा हंसता सुकले। श्री जी चाहते हैं कि सुंदर साथ खेल का आनंद लेकर के, सो खेल खुशहाली लेके, खेल की खुशी को लेकर के कि खेल में भी राज्य की भक्ति करने का मौका मिला, और क्या खुशी चाहिए। खेल तो खेल ही रहे हैं, खेल तो देख ही रहे हैं, खेल का कोई अंत नहीं है, पर इस खेल में से थोड़ा सा समय बचा करके राज्य की भक्ति हमने की, इसीलिए खेल की खुशी हमारे लिए वही है। उस खुशी को लेकर के हम परम धाम में सकुशल आनंद पूर्वक वहां पर जगे। देख खेल हंस चलसी, खेल देख कर हंसते हुए चले, घर बाता कर सीए और परम धाम में जाकर के खेल की बातें करें। कोई अच्छी यात्रा करके लौटते हैं तो घर में बातें चलती रहती है ना, यात्रा बड़ी अच्छी रही, बहुत सुंदर यात्रा रही, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे लोग मिले, कैसे कैसे हमने यात्रा के अंतर्गत एक उत्सव मनाया, कई दिनों तक याद करते रहते हैं। हम लोगों ने 400 पारायण का एक उत्सव कई स्थानों में हुए, पर दिल्ली में भी हम लोगों ने किया, महामती प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी पे, आज भी उसको याद करते हैं तो एक खुशी मन में होती है कि एक अच्छा उत्सव था, यादगार उत्सव था, बेजोड़ उत्सव था। अब जो उत्सव आ रहा है कल से प्रारंभ होने वाला, ये भी बेजोड़ रहेगा, यादगार रहेगा, आनंद उत्सव रहेगा। तो ऐसे आनंद उत्सव में हम सब सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो आज इतना ही, क्योंकि यहीं जाकर के ये प्रकरण भी पूरा होता है। मैं चौपाई दोहराते हुए आज की चर्चा को ही विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कहे महामत एसो खेला, जो तुम मांगया था चित्त दे, देख खेल हंस चलसी, घर बाता करसी ए, घर बाता करसी ए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जी जी ओ मैं।
तुम हो थे
प्राणनाथ प्यारी।